बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर नंदुपुर गांव में अजीत और उसकी पत्नी सीमा रहने आए थे। सीमा माँ बनने वाली थी, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम नीलेश था। नीलेश बड़ा ही समझदार लड़का था, वो अपने माँ पापा से बेहद प्यार करता था। सभी लोग शहर से गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। अजीत अपनी पत्नी और बेटे को समझाता है, सीमा इस गाँव में हम लोग नए नए हैं, अभी हम किसी को भी नहीं जानते और तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। और नीलेश तुम भी ज्यादा इधर उधर मत जाना, अभी हमें यहाँ का कुछ पता नहीं है। ठीक है पापा, पापा आप चिंता ना करें, मैं अपना और माँ का ख्याल रखूँगा। अच्छा, मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है, तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहना और किसी भी अजनबी को घर में मत आने देना। हाँ पापा, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूँगा, अब आप सामान ले आओ। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, नीलेश है ना मेरे साथ। ठीक है ठीक है। ये कहकर अजीत बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने चला जाता है। उसे सामान लेते लेते देर हो जाती है और रात भी होने वाली थी। अब मुझे घर चलना चाहिए, रात भी होने वाली है, नीलेश और सीमा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अजीत सारा सामान कार में रख कर अपने घर की ओर चल देता है। अजीत जिस रास्ते से जा रहा होता है, रात को कोई भी उस रास्ते से अकेले नहीं जाता था, क्योंकि उस रास्ते पर एक चुड़ैल घुमा करती थी। अजीत को उस चुड़ैल और रास्ते के बारे में पता नहीं था। अजीत जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर पड़ी दिखाई देती है। अरे ये सड़क पर कौन पड़ा है, लगता है कोई बेहोश पड़ा है, चलकर देखना चाहिए। अजीत वहीं सड़क पर अपनी गाड़ी रोककर उस औरत के पास जाता है। अजीत उस औरत को उठाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उस बूढ़ी औरत को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई, और तुम कौन हो बेटा? अम्मा मेरा नाम अजीत है, मैं इस गांव में अभी नया नया आया हूँ, और आप इस सुनसान सड़क पर कैसे? मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, भटकते भटकते पता ही नहीं चला कि कब मैं यहाँ आ गई। कई दिनों से भूखी होने के कारण शायद मैं बेहोश हो गई। अम्मा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं बेटा, कहाँ किस्मत ले जाएगी, मुझ पे सहारा का कोई भी तो नहीं जिसके यहाँ मैं चली जाऊँ। अम्मा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तक तुम चाहो मेरे घर पर रहना। अजीत उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अजीत जिसे बूढ़ी औरत समझ रहा था, वो और कोई नहीं एक डरावनी चुड़ैल थी जो पैदा हुए बच्चों को खा जाती थी। उधर सीमा को अजीत की चिंता हो रही थी। नीलेश तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए, मुझे तो चिंता होने लगी है। माँ आप ऐसे ही परेशान हो रही हो, पापा बस आते ही होंगे। तभी अजीत भी आ जाता है। माँ लो पापा भी आ गए, आप बेकार में ही चिंता कर रही थी। क्या हुआ, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? वो पापा, माँ को आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तुम भी ना सीमा, कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो। तुम आ गए? माँ मैंने कहा था ना पापा आ जाएंगे। तभी सीमा का ध्यान उस बूढ़ी औरत पर जाता है। ये अपने साथ आप किसे ले आए हैं, और ये हैं कौन? बताता हूँ, पहले मुझे थोड़ा पानी तो पी लेने दो। नीलेश अपने पापा को पानी पिलाता है। पानी पीकर अजीत सीमा और नीलेश को उस औरत के बारे में सब बताता है। पर पापा किसी अनजान औरत को इस तरह से घर में लाना ठीक नहीं है, हम इनके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं। बेटा ये बेचारी तो खुद बेसहारा है, ये भला किसे नुकसान पहुंचा सकती है। बेटा मुझे लगता है तुम्हारे बेटे को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारे ही साथ रहोगी। पर पापा, मैंने कहा ना अम्मा हमारे ही साथ रहेंगी बस। अजीत नीलेश को चुप करा देता है और उसकी एक नहीं सुनता। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। सही तो है, ये आपने ठीक किया, नहीं तो ये बेचारी इतनी रात में कहाँ जाती। अम्मा सीमा का पेट देख रही होती है। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ अम्मा। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे तुम्हारा बच्चा कब होगा? अम्मा बस कभी भी हो सकता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चुड़ैल मन ही मन बच्चे की बात सुनकर बड़ी खुश होती है। बस जल्दी से इसका बच्चा हो जाए, फिर मैं उस जन्मे बच्चे को खाकर मुझ में और भी शक्ति आ जाएंगी, फिर मैं कभी नहीं मरूंगी, बस एक बच्चा और। नीलेश उस बूढ़ी औरत को देखने लगता है। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। उसकी अजीब सी आंखें देख नीलेश डर जाता है। नीलेश मन ही मन सोचने लगता है, कुछ ठीक नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मानो कोई बुरी शक्ति आ गई। सीमा अम्मा को भूख लगी होगी,
तुम उनके लिए खाना लगा दो। सीमा अम्मा के लिए खाना लाने चली जाती है। अम्मा आप आराम से बैठकर खाना खाओ। चुड़ैल खाना खाने लगती है। उसे खाना खाते देख नीलेश को कुछ अजीब सा लगता है। सीमा बिटिया, खाना तो तुमने बड़ा अच्छा बनाया है। क्या अम्मा जी, आप भी। सीमा अम्मा को उनके कमरे में सुलाओ। सीमा चुड़ैल को कमरे में सुला आती है। सब लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सब लोग जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब अम्मा अपने कमरे में अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। उधर नीलेश को अम्मा के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये औरत ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। नीलेश अपने कमरे से निकलकर अम्मा के कमरे की खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अम्मा को चुड़ैल के रूप में आते देखता है। ये तो चुड़ैल है, ये अम्मा नहीं है, पर ये हमारे घर में क्यों आई है? मैं अभी जाकर माँ पापा को बताता हूँ, पर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं करूँ भी तो क्या करूँ, पर ये चुड़ैल चाहती क्या है? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अब तो जल्दी से सीमा का बच्चा हो जाए, फिर मैं उसे मार कर खा जाऊंगी। उसे खाते ही मैं और भी बुरी शक्तियों की स्वामी बन जाऊंगी। ये तो मेरे भाई के जन्म लेते ही उसे खा जाएगी। ये तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलेश चुपचाप वहां से अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसे चुड़ैल के बारे में सोचते सोचते नींद आ जाती है। और अगले दिन, सीमा मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। पापा आप कहीं मत जाओ। ये तुम्हें क्या हुआ, तुम तो कभी ऐसा नहीं करते, फिर आज क्या हुआ? बस ऐसे ही, आज आप घर पर ही रहो, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, माँ को कभी भी अस्पताल लेकर जाना पड़ सकता है। नीलेश मैं ठीक हूँ, अभी अस्पताल जाने का समय नहीं आया है, जब आएगा मैं खुद बता दूंगी। तुम नाहक ही परेशान हो रहे हो। चुड़ैल नीलेश की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा होती है और नीलेश को अपनी डरावनी आँखों से देख रही होती है। नीलेश उसकी लाल आँखें देख कर बुरी तरह डर जाता है। अरे मैं हूँ ना, तो चिंता किस बात की, जब बच्चा होगा ना मैं सीमा का पूरा ध्यान रखूंगी और खुद सीमा को लेकर अस्पताल जाऊंगी। नीलेश मन ही मन कहता है। इसी बात का तो डर है कि तू चुड़ैल मेरे भाई को जन्म लेते ही खा जाएगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी थोड़ी ही देर में सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। वो नीलेश से कहती है, नीलेश जल्दी से अपने पापा को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी अभी पापा को फोन करता हूँ। नीलेश माँ को बताता है। माँ पापा का फोन नहीं लग रहा। अम्मा मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। हाँ सीमा बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। चुड़ैल सीमा को अस्पताल ले जाती है। उधर सीमा एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। सीमा होश में नहीं थी। चुड़ैल बच्चे को गोद में लेकर सोचती है, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे साथ बुरी शक्तियाँ होंगी, पर मुझे उससे पहले इस बच्चे की पूजा करनी होगी, तभी मैं इसे खा सकती हूँ। उधर नीलेश चुड़ैल की नज़र बचाकर अपने पापा को फोन करके चुड़ैल के बारे में सब बताता है। नीलेश बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। मैं गांव वालों से किसी तांत्रिक के बारे में पता करके उसे घर लेकर आता हूँ। अजीत गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में सब बताता है। बाबूजी वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है, हम एक तांत्रिक को जानते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हम अभी तुम्हें उस तांत्रिक के पास लेके चलते हैं। गांव वाले अजीत को तांत्रिक के पास ले जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को सब बताता है। तांत्रिक बाबा जी, मेरी पत्नी और मेरे जन्मे बच्चे को बचा लो, वो चुड़ैल बड़ी ही खतरनाक है, मुझे अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलना होगा। चुड़ैल भी सीमा और उसके जन्मे बच्चे को लेकर घर आ जाती है। तब तक अजीत तांत्रिक को भी घर लेकर पहुंच चुका होता है। अजीत सीमा और अपने बच्चे को देखकर खुश होता है और वो अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है। सीमा तुम ठीक हो, और मेरा बच्चा कैसा है? अजीत तुम बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर अलग खड़े हो जाओ। चुड़ैल तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ए तांत्रिक दूर रह मुझसे, नहीं तो तू वो मौत मरेगा। ए चुड़ैल तेरा खेल खत्म, तू इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तांत्रिक आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस पर मंत्र पढ़ी हुई भभूत डालता है। वाह, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहता है और भभूत चुड़ैल पर डालता रहता है। तभी चुड़ैल जल कर भस्म हो जाती है और अजीत के बच्चे की जान बच जाती है।